Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई कॉल आने पर रिंगिंग टाइम के समय को लेकर अगले दो सप्ताह में अपनी अंतिम राय तय करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपने नेटवर्क से जाने वाले कॉल पर रिंग टाइम को घटाकर 25 सेकंड कर दिया था। इन दोनों कंपनियों का दावा था कि उन्होंने रिलायंस जियो के ऐसे ही कदम के जवाब में यह कदम उठाया है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपने इस फैसले की जानकारी नियामक ट्राई को दे दी थी। कंपनी का कहना था कि इससे उसे इंटरकनेक्ट यूजर चार्ज यानी कि IUC पर होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। बता दें कि पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिंग टाइम 45 सेकंड का था, परंतु सबसे पहले जियो ने इसे घटाकर 30 सेकंड कर दिया था, जिसके बाद एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने भी इस रिंगिंग टाइम को घटाकर 25 सेकंड कर दिया है। तीनों ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा शुरू किए गए इस कदम के जवाब में ट्राई ने इस पर जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया था। अब ट्राई अगले दो सप्ताह में इस पर अपना अंतिम विचार पेश करेगा। हालांकि इस मुद्दे पर जियो और पुराने दूरसंचार ऑपरेटर्स एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बीच बहस छिड़ी हुई है। रिलायंस जियो ने प्रतिद्वंदी कंपनियों के खिलाफ नया आरोप लगाते हुए कहा है कि ये धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से फिक्स्ड लाइन पर की गई कॉल को मोबाइल कॉल के रूप में दिखाकर अनुचित फायदा उठा रही है। जियो का कहना है कि इसके लिए उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जियो के इन आरोपों के बारे में पूछे जाने पर ट्राई के एक अधिकारी ने कहा है कि इस मामले की जांच अन्य शिकायतों की तरह ही की जा रही है। ट्राई का कहना है कि हमारे पास जब भी कोई शिकायत आती है उसकी जांच की जाती है, यदि उल्लंघन का कोई मामला होता है तो हम उस पर गौर करते हैं। रिलायंस जियो का कहना है कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां गैर कानूनी तरीके से वायरलाइन नंबर को छिन्न तरीके से मोबाइल नंबर के रूप में दिखाकर अनुचित लाभ कमा रही है। जियो ने इन ऑपरेटर्स पर लाइसेंसिंग नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना लगाने की मांग की है। वहीं भारतीय एयरटेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि जियो ऐसी शिकायत कर कॉल जोड़ने के शुल्क पर विचार विमर्श से पहले नियामक को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। बहरहाल आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि जियो द्वारा लगाए गए इन आरोपों एवं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और एयरटेल द्वारा लगाए गए रिंगिंग टाइम को कम करने की शिकायत पर ट्राई क्या एक्शन लेती है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।